क्लास टेंथ मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर का ये जो थर्ड पार्ट है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन बेटा बड़े नंबर में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मतलब सेक्शन सी में सेक्शन डी में काफ़ी पूछा जाता है। तो देखो बेटा, अगर दो नंबर हैं आपके पास, ठीक है, मैं आपको सिंपल बना के दिखाता हूँ। तो दो नंबर है, दो डब्बे बना दिए, ये यूनिट का प्लेस होता है और ये 10 वाला प्लेस होता है ना। इसे मैंने एक्स बोला और इसे मैंने वाई बोला, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगा, 10y+x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे 58 ले लिया, तो ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे, तुम यहाँ रख के देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल y के प्लेस पे 5 रखा और x के प्लेस पे 8, तो ये 58 हो जाएगा, है ना। तो किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका लिखने का तरीका होता है। तो ये एक्चुअली हमें फाइंड करना है, क्योंकि रिवर्सिंग वगैरह बोला गया है, तो इस रूप से दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर मैं रिवर्स करने पर जो नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा बेटा, वो 10x+y होगा अगर मैं रिवर्स करता हूँ। ये ओरिजिनल नंबर है और ये रिवर्स करने पर नंबर है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो डिजिट्स आपके पास हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो उनका डिजिट का जो सम है वो 9 है, ठीक है। ये बोला गया है क्वेश्चन में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, कि अगर तुम डिजिट का सम करते हो, सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 है, यानी कि x+y = कितना है, 9 है, ठीक। ये चीज़ है इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्या लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग कंडीशन, क्वेश्चन के कंडीशन में क्या बोला गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है बेटा उसका 9 टाइम्स किसकी इक्वल है, डबल है अगर नंबर का रिवर्स किया जाता है, ठीक है। यही तो ये देखो लिखा हुआ है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है, ये चीज़ लिखी गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। सो यहाँ से आ जाएगा 90y+9x 20x+2y, ठीक है। तो x वाले को एक तरफ रखो, तो वो प्लस के 2y इधर आके माइनस के 2y, और यहाँ 9x से प्लस के इधर आके माइनस के 9x, 88y, और यहाँ से आ जाएगा 11x, 11 8 जो, सो ये एक्स इक्वल टू आ गया 8y। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको उठाकर यहाँ पर रख दो और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, x+y हमारे पास 9 है, हम x के प्लस पे क्या रख देंगे, 8y ना, कैलकुलेशन मेरे मन में चल रहा है, 8y रखना है प्लस वाई, तो ये 9y हो जाएगा, 9 1 9, तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 8, x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। सो जो नंबर है बेटा, तुम जब नंबर रखोगे यहाँ पर, देखो बेटा x के प्लस पे कितना है 8 और y के प्लस पे 1, सो नंबर कितना हो जाएगा, 18, ये आपका आंसर होगा, यहाँ पर रख देना, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है।